वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बच्चों की फेवरेट चिकन टिक्का मलाई पॉकेट। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने हाफ के जी बोनलेस चिकन इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया हुआ है। आप इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून दही लेंगे और 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या मलाई लेंगे। आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे 15 से 20 मिनट मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन लिया हुआ है जिसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लिया हुआ है। ऑयल गर्म होने पर हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट इसे पका लेंगे। बीच बीच में चेक करेंगे। तो इस तरह से हमने चिकन को पका लिया। तो चिकन हमारी गल चुकी है। अब जो पानी है उसे ड्राई करेंगे। तो यहाँ पे पानी हमारा ड्राई हो चुका है। आप चाहे तो इसमें कोयले का धुआं दे सकते हैं। यहाँ पे हमें ब्रेड लिए हुए हैं। अब ब्रेड के साइड के किनारे इस तरह से कट करेंगे। अब ब्रेड को इस तरह से बेल लेंगे। तो इस तरह से बेल के फ्लैट करेंगे। अब कटर या कोई इस तरह से ढक्कन लेके राउंड शेप में इसे कट करेंगे। तो सारे ब्रेड को हम इसी तरह से करेंगे। आप हमने यहाँ पे अंडा लिया हुआ है। अंडे में इसे डीप करेंगे और ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। यहाँ पे हमने सिंगल ब्रेड को हम अंडे में डीप करके कोट किया हुआ है। आप चाहे तो डबल लेके इसी तरह से अंडे में डीप करके कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से बना लेने के बाद ऑयल को गर्म करेंगे और स्लो और मीडियम के बीच में इसे फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। तो इस तरह से क्रिस्पी भी होगी और फुलेंगे भी। अब इसे निकाल लेंगे। बीच में से इसे कट करेंगे और इस तरह से अंदर से खोल लेंगे। अब यहाँ पे हमने मेयोनीज और टोमेटो केचप को मिक्स किया हुआ है। इसे बीच में लगा देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हमारे चिकन पॉकेट्स का। अब जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी हुई थी उसमें भर देंगे। साइड में सैलेड के पत्ते और टमाटर इस तरह से रख देंगे। इससे लुक अच्छा आएगा। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस चिकन पॉकेट हम तैयार करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।